Okay, so now we have to understand to this in this class better. So first of all of you, welcome to Emacs coding classes, and this is VK Sinha. We are going to represent today this pattern. Okay, so now पहले हम लोग इसका logic समझते हैं. देखो यहाँ पर हम इसका row number में ये patterns है, तो हम इसका पहले index number दे देते हैं. जैसे मान लीजिए इसका index number हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 and 4. This is index number. Today I am going to start by default index number with the 1. We can also start with the 0, okay? There is no any problems. So here I am going to start with the, this is for the column, this is for the row. So this one is going for the row. So isko hum log bolte hai row, right? And now we are coming to this one is the column part. So now 1, this is the 2, 3 and 4. This is the column number. So we know that on the vertical section, agar aise baat karenge, to hum isko columns bolte hai. Very fine. We have to understand this column, what second column, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. रो को देखें, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज योर थर्ड रो, दिस इज योर फोर्थ रो. ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, वी हैव टू द सेट द लॉजिक हियर. इफ आई एम कमिंग विद द फर्स्ट रो, दैट इज ऑल द कॉलम्स इज प्रिंटेड. इफ आई एम कमिंग टू द सेकेंड रो, दैट इज ऑनली थर्ड कॉलम्स इज प्रिंटेड. सो वाट विल आई डू हियर इन थ्रू दिस लॉजिक, आई हैव टू सेट द कॉलम पॉइंटर. मैं पहले रो पॉइंटर को फर्स्ट रो पर सेट कर दूंगा, दैट इज ऑन दिस इनिशियल पोजिशन. बट ये वाला जो पॉइंटर है हमारा कॉलम का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, अभी इन द ऑन लैंग्वेज हम इसको बोल रहे हैं वाई. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंटर. मैं आपको वाई की जगह मैं आपके लैंग्वेज में इजी वे से समझाने के लिए इसको मैं जे ही यूज करता हूँ, क्योंकि जे हमारा इजी वे से समझ में आएगा. तो जे इज द पॉइंटर इज हियर फॉर द कॉलम. ओके, एंड आई इज फॉर द रो. तो ये हमारे रो के लिए है और ये हमारे कॉलम्स के लिए है. ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये पॉइंटर है ना, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम फोर्थ पर सेट करेंगे, तो पहले रो में जब हमारा आउटर लूप जब एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट रो के लिए, तो हमारा जे यहाँ पर सेट रहेगा लास्ट मोमेंट पर, और जे को इधर से डिक्रीमेंट कराते जाएंगे 4 से 3 पर, 3 से 2 पर एंड 2 से 1 पर. जब ये सेकेंड कॉलम में आएगा, तो जे की जो वैल्यू है, वी हैव टू द गो टू द डिपेंड्स ऑन द विल से द वैल्यू ऑफ कॉलम विल बी द जे इज द ग्रेटर देन, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस पार्ट हियर. सो जे की हम वैल्यू को यहाँ देखेंगे कि हमारे जो कॉलम्स पॉइंटर ये 1/1 डिक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीज जब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जे की जो जो कॉलम है उसकी वैल्यू को हम ग्रेटर देन इक्वल टू रो के अनुसार रखेंगे. तो यहाँ पर रो के अनुसार क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट रो पर है तो 4 इससे ग्रेटर है कॉलम, 3 भी इससे ग्रेटर है, 2 भी इससे ग्रेटर है, और 1 भी ग्रेटर है और इक्वल टू, बट इससे नीचे नहीं जाने देंगे. सो वी नीड टू डिक्रीज दिस वैल्यू हियर. ओके, सो हम इस कॉलम पॉइंटर को यहाँ से डिक्रीज करेंगे 1/1. ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ पर रख देंगे पॉइंटर को, एंड मूव टू द थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम. उसी तरीके से रो को हम इधर की तरफ मूव करेंगे, रो को हम इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, 1 से 2 पर आएंगे, 2 से 3 पर आएंगे, 3 से 4 पर आएंगे, लेकिन कॉलम को डिक्रीज करते जाएंगे. डेट इज आवर लॉजिक टू दिस, राइट? तो कॉलम को इस तरीके से मूव करेंगे, 4 से हम ले जाएंगे 3 पर, 3 से ले जाएंगे 2 पर, 2 से 1 पर. तो यहाँ डिक्रीज करेंगे, लेकिन रो में हम इंक्रीज करेंगे. तो हमने आपको बताया था कि नेस्टेड लूप का हम लोग यूज 2D फॉर्मेट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, राइट? So now we have to just set the logic. I am going to write a code for this pattern, and we are getting to understand what is happening here. Okay. So now we are taking to the code blocks IDE here, and finally I am taking the two variables. Is the one is the I for the row. So हम पहले integer data type दे रहे हैं, int keyword write कर रहे हैं, और पहला हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है आई. वाई इज बिकॉज आई एम गिविंग द नेम हियर आई, बिकॉज माई पॉइंटर नेम इज दिस वन इज द आई, एंड दिस इज फॉर द कॉलम, दिस इज फॉर द जे. दैट्स वाई आई एम टेकिंग द टू वेरिएबल्स, वन इज द आई एंड वन इज द जे. सो हमें पता है, जब भी हम प्रोग्राम राइट करेंगे, हमें पहले डेटा टाइप बताना होगा कि हम किस डेटा टाइप पर वर्क करने जा रहे हैं. तो हमने इसलिए बताया इस प्रोग्राम में कि वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द इंटीजर डेटा टाइप. तो हम int कीवर्ड लिखते हैं इंटीजर के लिए, राइट? फॉर द आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और दूसरी हमने वैल्यू लिया j, जो कि हमारा वेरिएबल है. तो दोनों वेरिएबल्स को हम यूज किए हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये एक रो के लिए हम यूज करेंगे, एक पॉइंटर के यूज करेंगे, और इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए. मतलब यहाँ पर अभी हमने बोला कि वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो गया. हमें ये चीज पता है
कि जब भी हम अपने रिपीटिंग कॉन्सेप्ट में जाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अगर ऐसा कोई रिपीटिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है, सेम थिंग रिपीट हो रही है, 1 यहाँ पर ऐड हो रहा है, 2 से 3 पर जाने पर 1 यहाँ पर ऐड हो रहा है, 3 से 4 जाने पर 1 ऐड हो रहा है, इधर से भी देखो 1 एडिंग इज देयर, हियर इज 1 इज ऑल्सो एडिंग, हियर इज 1 इज ऑल्सो एडिंग, राइट। सो नाउ दैट्स व्हाई वी नीड अ लूप। जब भी रिपीटिंग कॉन्सेप्ट यूज होती है हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप कीवर्ड राइट करेंगे और इसमें पहला हमारा जो वेरिएबल है आई, इसको हम सेट कर देंगे 0 से, हम 1 से सेट कर रहे हैं, वाइज बिकॉज मेरा जो फर्स्ट पोजीशन है आई का, यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट रो पर है, तो हम एक लूप चलाएंगे आउटर लूप और एक चलाएंगे इनर लूप जो कि जे के लिए होगी। तो हमने आई को 1 किया और आई जो है लेस देन इक्वल टू बोला 4 तक जाने के लिए, मतलब आई की जो वैल्यू 4 तक मूव करेगी, मतलब ये जो पॉइंटर है ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक मूव करना है इसको, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो यहाँ पर हमने बोला कि आई लेस देन इक्वल टू 4, ये हमने कंडीशन दे दिया, ठीक है, सेमी कॉलम से यहाँ टर्मिनेट करा दिया। अब आई को इंक्रीमेंट कराएंगे यहाँ पर, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, क्यों, क्योंकि 1 से 2 पर जा रहे हैं, 2 से 3, 1 वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना, इसलिए आई को यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो लूप हम यूज कर रहे हैं, इसको हम ओपनिंग और क्लोजिंग करेंगे ब्रेसेस को, तो ये बॉडी हो गया, इसके अंदर हम इस बॉडीज के अंदर कोड राइट करेंगे, तो ये हमारा लूप हो गया, तो इस ये हमारा कोड हो गया लूप ऑफ फॉर लूप, जिसको हम बोल रहे हैं ये जो लूप है ये वर्क करेगी रो के लिए। अब इसके अंदर नेस्टेड लूप हम लोग बताए थे, तो नेस्टेड लूप में हम यूज करेंगे आपको कॉलम्स के लिए, ये जो लूप चलाएंगे आउटर लूप में, इनर लूप चला रहे हैं फॉर लूप, कॉलम के लिए चला रहे हैं जे के लिए, तो जे की वैल्यू हमने 1 लिया और जे को हमने बोला इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, सॉरी जे को हमें सेट करना है फोर्थ पोजीशन पर, लास्ट इंडेक्स पर सेट करना, सी है, तो जे को यहाँ पर मुझे सेट करना है कॉलम को, इस पॉइंटर को यहाँ पर सेट करूँगा और मैं यहाँ पर व्हाट विल बी डू हियर, तो जे की पॉइंटर को यहाँ पर सेट किया एंड नाउ वी हैव टू द मूव टू दिस पोजीशन जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जे की वैल्यू को हमने बोला 1 से ग्रेटर, या हमने बोल दिया जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, क्योंकि जो कॉलम्स है वो रो पर डिपेंडेबल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया आपको ये जो कॉलम्स है वो रो पर डिपेंड है, कैसे आप कॉलम्स को डिक्रीज करोगे लेकिन रो पर डिपेंडेबल वैल्यू होगी, रो की जितनी वैल्यू होगी वहीं तक आपको जानी है, ठीक है, अगर 4 है तो 1 तक जाना है, ठीक है, अगर 2 है तो आपको ये 4 वाले को छोड़ना है, देन वी विल गो टू दिस पार्ट हियर, राइट। सो अभी हम लोग जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई किया और जे को हम डिक्रीमेंट करा दे रहे हैं, जे की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं 1/1 डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर देखो जे की वैल्यू हम डिक्रीज 4 से 3, 3 से 2 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर दिया, ठीक है। नाउ इसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और इसके अंदर हमको क्या प्रिंट करना है, कोड लिखे प्रिंटेड फंक्शन हम यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, अगर हमें कोई भी चीज़ स्क्रीन पर देखनी है, आउटपुट हमें देखना है स्क्रीन पर, तो सी प्रोग्राम में प्रिंटेड फंक्शन का हम यूज करते हैं, राइट। और इसके अंदर हम डबल कोट के अंदर एस्ट्रिस रखते हैं, तो एस्ट्रिस यहाँ पर रखा जो कि हमें स्टार प्रिंट करना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको स्टार प्रिंट करना है स्क्रीन पर, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटेड में डबल कोट के अंदर एस्ट्रिस रखा स्टार और सेमी कॉलम से टर्मिनेट करें, तो ये हो गया हमारा इनर लूप, राइट। वी आर कमिंग टू दिस पार्ट एंड आउटर लूप में जाकर हम स्लैश एंड प्रिंटेड फंक्शन में दे देंगे, क्योंकि हमें ये देखना होगा बिकॉज वी हैव गो फॉर द न्यू लाइन हियर, राइट। सो सॉरी दिस इज फॉर द ऑल द एंटायर कोर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन इज इट वर्किंग टू दिस पार्ट, सो फाइनली आई एम गोइंग टू बिल्ड टू दिस कोड एंड वी हैव टू द मूवमेंट ऑन दिस, इट्स गोइंग ऑन बिल्डिंग .exe फाइल विल बी क्रिएट हियर, राइट। And now we have gone to the run to this code. So now see, this pattern is happening. Like this pattern is coming to this side here. You can see here, right? 4, 3, 2, 1 is printed here. Remember, so that your star will be printed in this pattern. I have to show this pattern 4, 3, 2, 1, and you can see also on the your screen 4, 3, 2, 1. So star is printed on the pattern. So this is for the mostly used for the patterns. And now I will briefly explain how this work is going on, okay? So now what I am going to do here, see, what we have to the first I am going to write the index number, I am going to show how this code is working. मैं आपको बता रहा हूँ ये कोड कैसे वर्क करेगा प्रिंटर हमारे इस स्टार पैटर्न के लिए। तो हम यहाँ पर कॉलम्स रो नंबर राइट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4
और यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स नंबर होगा कॉलम्स के लिए, ये हमारा कॉलम के लिए होगा, और ये जो हमारी रो के लिए। चलो कोड में आते हैं, समझते हैं। तो अभी हमारे पास आई और जे दोनों वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, और ये इंटीजर 1, 2, 3, 4 वैल्यू है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने डेटा इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉर लूप चलाया, फॉर लूप हमारा कीवर्ड है, इसे पैरेंथेसिस के अंदर आपको पहले इनिशियल पोजिशन बताना होता है। तो हमने बताया कि भैया आई जो है ना वो 1 पर है, तो बोला ठीक है, ओके राइट। सो आई को मैंने बोला कि ये बताओ आई को जाना कहाँ तक, इस पॉइंटर को कहाँ तक डेस्टिनेशन मूव कराना है। तो मैंने उसको बोला कि आप देखो ऐसा करो आई को 4 तक ले जाना है, आपको लास्ट कंडीशन है। तो यहाँ पर चेक करेगा अगर 1 <= 4 और नॉट, तो 1 या सही में आपका लेस देन है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप के इनर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, तो आई यहाँ पर सेट हो गया है, ठीक है, 1 पर। अब आते हैं इनर लूप में, जो कि कॉलम्स के लिए है। तो जे इक्वल टू 4, तो जे को 4 पर सेट किया हुआ, तो मतलब पॉइंटर यहाँ पर है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जे इज हियर एंड सेइंग जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो 4 जो है, आई की जो वैल्यू है 1 है और जे की वैल्यू 4 है, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है, यस और नो, राइट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो कंडीशन इज ट्रू, यस। सो व्हाट इज गोइंग टू दिस पार्ट, वी हैव टू प्रिंट इट टू दिस पैटर्न लाइक टू दिस वन, ओके। तो जे इज द 4 इज प्रिंटेड हियर, तो ये जो वैल्यू लेगा वो कैसे ले रहा है, ये नंबरिंग आपको ऐसे किया गया, इसने उल्टा इंडेक्स नंबर दे दिया, तो 4 यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है। 3 यहाँ पर सेट किया, 2 यहाँ पर सेट किया, और 1 यहाँ पर ऐसे सेट किया हुआ है, राइट, इन दैट वे। कोड में जब जाके इनर साइड में देखोगे कंप्यूटर साइंस के अंदर मोरिस पार्ट में, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इंडेक्स कॉलम्स का ऐसे नंबरिंग कर दिया अपोजिट करके, ठीक है, क्योंकि जे को 4 पे सेट किया। तो 4 कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान रखना कि स्क्रीन में जब भी आपका स्टार्टिंग होगा बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्क्रीन है फॉर एग्जाम्पल, तो हमेशा जो पॉइंटर होगा वो यहाँ से ही मूव करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से वो कभी भी यहाँ सेट नहीं हो सकता है, क्लियर है, वो फर्स्ट इनिशियल पोजीशन पर जाएगा। तो मैंने बोला ऐसा करो कि जो लास्ट वाला जो इंडेक्स नंबर है उसको यहाँ पर फर्स्ट में डालो। तो मैंने बोला ओके राइट, तो जे को मैंने 4 पर यहाँ पर डाल दिया, तो जे यहाँ पर है हमारा, ठीक है। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 1 है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट फंक्शन, तो स्टार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आपका इस ब्लॉक्स में वो आपको स्टार प्रिंट करने वाला है, तो यहाँ पर आपको 1 स्टार प्रिंट करेगा इस पर, ठीक है, 4 पर, इस वाले पर। अब जे की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो जे की वैल्यू जब डिक्रीज करेगी तो 4 से 1, हमेशा ध्यान रखना है डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 ही डिक्रीज करेगा और इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से इंक्रीज करता है, 1 ऐड करेगा या तो 1 डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो 1 को डिक्रीज करना है। तो जे की वैल्यू 4 थी, अभी कितनी हो गई है, 3 हो गई है, तो जे चला आया है 3 पर। अब पूछा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, 3 1 से ग्रेटर है, यस ऑफ कोर्स है, कंडीशन ट्रू है, तो वंस अगेन प्रिंट फंक्शन में स्टार प्रिंट होगा, तो यहाँ पर एक स्टार और प्रिंट कर दिया, ठीक है, थर्ड कॉलम से। नाउ जे की वैल्यू जे की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, तो जे की वैल्यू 3 से कितनी हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। सो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमारी कितनी है अभी बताइए, आई की वैल्यू कितनी है, 2, आई की वैल्यू 2 है, 1 है सर, आई की वैल्यू 1 है, राइट। सो 2, यस, जे की वैल्यू 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, क्योंकि जे की वैल्यू अभी 2 हो गई है और ग्रेटर देन आई की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, यस और नो, तो ये वाली कोड एग्जीक्यूट होगी प्रिंट फंक्शन वाली। तो मतलब कि जे जो 2 पर है यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर देगा, ओके। नाउ जे वंस अगेन डिक्रीज करेगी, जे की वैल्यू अभी 1 सेकंड डिक्रीज करेगी, तो 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यस राइट। सो जे की वैल्यू 1 हो गई है और आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है ना आई की वैल्यू के, 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट कर देगा, मतलब कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन वाला ये वाला कोड, ठीक है। नाउ अब जे की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यस और नो, आउटर लूप, ठीक है। सो सिग्नल में भी कम टू द आउटर लूप,
एंड इनसाइड कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यस, सो सिग्नल विल बी कम टू द आउटर लूप हियर। तो हमारी अभी आउटर लूप में सिग्नल आ गई है, तो अब ये वाला फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या करेगी कि डिक्रीज करेगी, आपकी आई की वैल्यू अभी डिक्रीज सॉरी इंक्रीज करेगी। यस सॉरी फॉर मिस्टेक। सो आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आई की वैल्यू आपकी 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई जो है यहाँ पर सेट कर जाएगा 2 पर, ठीक है। नाउ 2 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू, गो टू इनर लूप, यहाँ पर जाएगी इनर लूप में कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जे की वैल्यू 4, ओके जे यहाँ पर सेट है, इसको इस पोजिशन पर सेट है आपकी, तो हमने बोला चलो जे जो है ना आपको यहाँ पर सेटअप है, क्लियर है। नाउ वी आर कमिंग टू दिस पार्ट, जे जे की वैल्यू 4 है और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है अभी, 2 है। सो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, राइट? यस सर। सो यस सर, अब ये प्रिंटफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा हमारा, ये प्रिंटफ। तो इसमें क्या प्रिंटफ कह रहा है कि भाई स्टार प्रिंट करना है आपको, तो बोला ओके राइट, यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पर आया और एक स्टार इसने प्रिंट कर दिया, ओके फाइन। नाउ गोइंग टू इज गोज टू द नेक्स्ट लेवल, जे की वैल्यू डिक्रीज करेगी वंस अगेन, तो 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है अभी, आई की 2, राइट, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है यहां पर, तो वंस अगेन ये कोड एग्जीक्यूट होगा प्रिंट फंक्शन और अगेन यहां पर स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है, यस और नो? ओके यस सर। जे की वैल्यू वंस अगेन डिक्रीज करेगी, यस सर। तो जे की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो 3 से कितनी हो जाएगी अभी, अभी 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। सो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, 2, 1, आई की वैल्यू 2 है, देखो पॉइंटर यहां सेट है, राइट, यस सर, आई की वैल्यू 2 है, सो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, यस सर, ट्रू है, सो कंडीशन इज ट्रू, यस सर। नाउ गोस टू दिस लेवल, यस सर, तो इसमें प्रिंट फंक्शन में ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, तो वंस अगेन आपको स्टार प्रिंट करेगा यहां पर, ठीक है, क्लियर है। नाउ इज कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, अब जे की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी, यस और नो? जे की वैल्यू क्योंकि 2 से अब डिक्रीज करेगी नेक्स्ट लेवल में, तो जे की वैल्यू फिर 1 अगेन यहां पर डिक्रीज करेगी ये वाली, तो 2 से 1 हो जाएगी और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, राइट, सो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो नाउ ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटर लूप में जाएगा, यहाँ पे चलाएगा, ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम गोइंग टू दिस पार्ट, आउटर लूप में हमारा कोड आया अभी, मतलब सिग्नल हमारा यहाँ पर आया हुआ है, अब आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी 3, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो आई यहाँ पर सेट कर गया, ठीक है, चलो। और 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू सर, ट्रू है, ट्रू, सो कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा इनर लूप, ठीक है। सो इनर लूप में जे की वैल्यू 4, ओके जे यहाँ पर सेट है फर्स्ट बार 4 पर, तो बोला जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जे की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू कितनी है अभी, 3 है, यस, सो 4 ग्रेटर देन 3 इज राइट और रॉन्ग, राइट, कंडीशन इज ट्रू, सो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा प्रिंट फंक्शन में, तो एक स्टार प्रिंट करेगा यहाँ पर, सो इट्स गोइंग ऑन और यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ जे की वैल्यू इनकी डिक्रीज करेगी, तो जे की वैल्यू अभी 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यस और नो? यस सर, राइट, सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है अभी, आई की वैल्यू 3 था, 3, यस, आई की वैल्यू 3 है, सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, यस सर, सो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये प्रिंट फंक्शन, ये वाला कोड वंस अगेन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो फिर से स्टार यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो इस वाले पोजीशन पर स्टार प्रिंट कर दिया, क्योंकि जे जो पॉइंटर यहाँ पर है 3 पर है, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब जे की वैल्यू डिक्रीज करेगी वंस अगेन, अगर सिग्नल फिर से वापस आएगा इसमें और जे की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो 3 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 2 जो है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 3 से ग्रेटर है ही नहीं, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी सिग्नल जाएगा आउटर लूप में वंस अगेन, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो है अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू 3 थी पहले, अभी इंक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू 4 होगी, तो आई यहाँ पर सेट कर गया, ठीक है, इस पोजीशन पर। अब यहाँ कंडीशन चेक किया, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है,
यस और नो? यस सो आएगा वंस अगेन इनर लूप में, आएगा इस पार्ट में, आएगा इनर लूप में. नाउ वी हैव टू टेल टू दिस पार्ट. सो ये इनर लूप में आया, यहाँ पर आया लूप में, इनर लूप में 4 जे की वैल्यू है और आई की वैल्यू कितनी है अभी 4 है. तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चलो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, राइट? सो 4 इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हो गई है. तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा प्रिंटेड फंक्शन वाला, ठीक है. तो जे कहाँ पर है? इस पोजिशन पर है, फोर्थ वाले पर है, राइट? यहाँ पर जे हमारा, तो यहाँ पर स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है. ये सर Yes, okay. आप जे की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो 4 से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. 3 हो जाएगा. सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है अभी? 4 है. कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स होगी. तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी सिग्नल जाएगा आउटर लूप में. i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट? अब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, सिग्नल बाहर निकल जाएगा आउटर लूप से और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. तो ये सारे स्टार आपको प्रिंट कर जाएगा, ठीक है. तो इसी वजह से आप देख रहे थे कि इस कोड को जब हम लोग कंपाइल किए थे तो ऐसा पैटर्न हमको दिख रहा था. वी हैव टू गो टू दिस वंस अगेन, कंपाइल टू दिस कोड एंड इट्स कमिंग ऑन बिल्ड नाउ, इज गोइंग टू द रन. सी दिस, कैन यू सी पैटर्न, राइट? So in this way your pattern will be the happen here. I hope everybody is getting to this. Thank you very much for watching to this section.